नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने को लेकर सस्पेंस बरकरार, भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस। कश्मीर पहुंचे यूरोपीय संघ के सांसदों का बड़ा बयान, कानून अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, दिवाली की दी बधाई, इस दौरान शिवपाल यादव भी रहे मौजूद। INX मीडिया मामले में चिदंबरम ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट में खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। DTC की बस में सवार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सफर कर रही महिलाओं से मुफ्त यात्रा का लिया फीडबैक। विदेश यात्रा पर फिर रवाना हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी ने बताया आध्यात्मिक दौरा। शेयर बाजार में रौनक, 40,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, 11,842 के स्तर को पार कर गया निफ्टी। नोटबंदी जैसा एक और बड़ा कदम, उठाने की तैयारी में मोदी सरकार, तय मात्रा से ज्यादा गोल्ड है तो सरकार को देनी होगी जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामिया के वार्षिक दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, बोले और ज्यादा गांव को गोद लेने की संभावनाएं तलाश विश्वविद्यालय प्रशासन। यू प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर सुरजेवाला का मोदी सरकार पर तीखा हमला, का जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर स्पष्टीकरण दें प्रधानमंत्री। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं बड़ी खबरों में विस्तार से। भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं गुरुवार को शिवसेना ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। शिवसेना की विधायक दल की बैठक से पहले हलचल तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे, यहां सरकार गठन को लेकर मंथन चल रहा है। बता दें कि इस बार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी विधायक चुनकर आए हैं। वहीं NCP के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जनता का जनादेश हमारे लिए विपक्ष में बैठने के लिए है, अगर स्थिति बदलती है तो हम देखेंगे। राज्य में सरकार बनाने के समीकरण को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच खींचतान चल रही है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नामित किया है। खींचतान पर NCP के एक नेता ने कार्टून बनाकर कटाक्ष भी किया है। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए यूरोपीय संघ EU के 23 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वो वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं। आतंकवादियों ने 5 निर्दोष मजदूरों की जान ली है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि दल ने सेना और पुलिस ने बात की है, युवा कार्यकर्ताओं से भी उनकी बातचीत हुई, शांति कायम करने के विचारों का आदान प्रदान हुआ। ब्रिटेन के न्यूटन डन ने इस दौरे को आंख खोलने वाला दौरा बताया। सांसदों के दौरे का उद्देश्य अनुच्छेद 370 के तहत प्रदत्त राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद बने हालात का जायजा लेना था। डन ने कहा कि हम यूरोप से आते हैं, जो वर्षों के संघर्ष के बाद अब शांतिपूर्ण स्थान है। हम भारत को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनता देखना चाहते हैं। मारियानी ने कहा कि हमें फांसीवादी कहकर हमारी छवि को खराब किया जा रहा है, बेहतर होता कि हमारी छवि खराब करने से पहले हमारे बारे में अच्छे से जान लिया गया होता। सीएम योगी बुधवार को मुलायम सिंह के आवास पहुंचे, यहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में उनके बीच जो प्रतिद्वंदिता है वो आपसी व्यवहार में नहीं आनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर सीएम योगी ने मुलायम सिंह से बात की, साथ ही सीएम ने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। कुछ देर बाद सीएम योगी पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। सीएम ने कहा कि राजनीति में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के यहाँ सीएम योगी ने काफी समय बिताया। योगी ने कहा कि 15 दिनों के भीतर राम मंदिर पर फैसला आना है। उन्होंने कहा कि मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सीएम ने कहा कि नवंबर दिसंबर का महीना अयोध्या के लिए हमेशा से अहम रहा है। आज से ठीक 3 दशक पहले ऐतिहासिक तारीख के दिन मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का नाम मिला था। इसके बाद कल्याण सिंह कट्टर हिंदू फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे थे। सीएम ने कहा कि 30 साल पहले अयोध्या की घटना लोगों के जहन में आज भी ताजा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने INX मीडिया धन शोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मांगी है। कांग्रेस नेता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अंतरिम जमानत मांगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। पीठ ने बृहस्पतिवार को उचित अदालत के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया। चिदम्बरम ने INX मीडिया धन शोधन मामले में अपनी मुख्य जमानत याचिका के जरिए ही अंतरिम राहत की याचिका दायर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम को मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि खत्म होने पर बुधवार को निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक बसों का सफर किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त यात्रा योजना पर महिला यात्रियों की राय जानी।
डीटीसी द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक योजना लागू होने के पहले दिन मंगलवार को 4.77 लाख से अधिक महिलाओं ने मुफ्त यात्रा के लिए गुलाबी टिकट लिया। केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं से सीधे राय जानने के लिए मैंने अभी कुछ बसों का सफर किया। छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, खरीदारी करने जा रही महिलाओं के अलावा मैंने नियमित रूप से चिकित्सकों के पास जाने वालों से भी बात की, वे भी बहुत खुश थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तैनात किए गए बस मार्शल की मौजूदगी से महिला यात्री सुरक्षित महसूस कर रही हैं। छेड़खानी करने वालों में डर है। करीब 5600 डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिला यात्री मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी फिर विदेश यात्रा पर चले गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वे सोमवार को विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि वो एक हफ्ते तक वहां रहेंगे। वहीं उनकी पार्टी ने खराब अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन की तैयारी की हुई है। कांग्रेस 1 से 8 नवम्बर के बीच 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसी मुद्दे पर 5 से 15 नवम्बर के बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई भी दी है। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी समय समय पर आध्यात्मिक दौरे पर जाते रहे हैं, वो वर्तमान में भी वही हैं। कांग्रेस का 1 से 8 नवम्बर के बीच 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने की योजना को पूरी तरह से उनके दिशा निर्देशों और परामर्श पर तैयार किया गया है। लाभांश वितरण कर खत्म करने के फैसले का असर दिखा। कंपनियों के अच्छे नतीजों और अमेरिका चीन समझौतों की संभावनाओं से बुधवार को सेंसेक्स 40,000 के पार चला गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 188 अंक यानी 0.47% की बढ़त के बाद 40,019 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 55.30 अंक यानी 0.47% की बढ़त के बाद 11,842 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले शुरुआती कारोबार में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला था। दिग्गज शेयरों की बात करें तो बुधवार को भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, आईओसी, इंफोसिस, इंफ्राटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, यस बैंक और विप्रो के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं गिरावट वाले दिग्गज शेयरों की बात करें तो इनमें टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, ONGC, BPCL, पावर ग्रिड, सिप्ला, रिलायंस, M&M और NTPC के शेयर शामिल हैं। इनकम टैक्स की एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पर सोने के लिए एमनेस्टी स्कीम मोदी सरकार ला सकती है। एक तय मात्रा से ज्यादा बगैर रसीद वाले गोल्ड होने पर उनकी जानकारी देनी होगी। गोल्ड की कीमत सरकार को बतानी होगी। इस एमनेस्टी स्कीम के तहत गोल्ड की कीमत तय करने के लिए वैल्यूएशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा। बगैर रसीद वाले जितने गोल्ड का खुलासा करेंगे उस पर एक तय मात्रा में टैक्स देना होगा। ये स्कीम एक खास समय सीमा के लिए ही खोली जाएगी। स्कीम खत्म होने के बाद तय मात्रा से ज्यादा गोल्ड पाए जाने पर भारी जुर्माना देना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जामिया ने योजना के तहत पहले 4 गांव को गोद लिया हुआ है। छात्र इन गांव की तरक्की के लिए काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप और गांव को गोद लेने की संभावनाएं तलाशें, वहां और विकासात्मक कदम उठाने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करें। बुधवार को राष्ट्रपति ने 350 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए, जिनमें से 183 पदक छात्राओं के हिस्से में गए हैं। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना के 99 साल पूरे होने के अवसर पर 3 दिन तक चलने वाले समारोह का हिस्सा है। EU प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत के आंतरिक मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और संसद का अपमान करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी स्पष्टीकरण दें। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 3 दिनों में देश ने एक इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर द्वारा प्रायोजित मोदी सरकार का अपरिपक्व PR स्टंट देखा। अनजान थिंक टैंक के द्वारा प्रायोजित यूरोपीय संसद के 27 सदस्यों को भारत लाया गया। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाई गई। उन्हें कश्मीर के जमीनी हालात जानने के लिए सरकार द्वारा कश्मीर भेजा गया और उनकी पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि पिछले 72 साल से भारत की जांची परखी नीति है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। हम इस बारे में किसी तीसरे पक्ष, समूह, संस्था या व्यक्ति की दखलंदाजी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने देश की संसद और प्रजातंत्र का भी घोर अपमान किया है। बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।